स्वागत है आपका मन के सफर। एक व्यक्ति चलते चलते स्वर्ग में पहुंच गया। उसे लगा वो थोड़ा थक गया है, थोड़ा आराम कर ले। उसने एक वृक्ष देखा और वहां थोड़ी देर लेट गया। उसे लगा मुझे भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता। ये सोचते ही अचानक सुंदर भोजन उसके समक्ष आ गया। भूखा कभी सोचे ना, उसने खाना खा लिया। खाने के बाद उसने सोचा कि मुझे पीने के लिए कुछ मिल जाए तो ठीक होता। अचानक उसके सामने विविध प्रकार के प्रवाही प्रकट हो गए। प्यासा कभी सोचे ना, उसने सब कुछ पी लिया। अचानक उसके मन में विचार आया, ये क्या हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूं वो प्रकट हो रहा है, कहीं यहां भूत तो नहीं है ना। और अचानक वहां भूत प्रकट हुआ। भूत को देखकर उसने सोचा भूत मुझे परेशान तो नहीं करेगा। भूत ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। अचानक उसने सोचा कहीं भूत मुझे मार न डाले। भूत ने उसे मार डाला। वो जो जगह पर बैठा था वो स्वर्ग था और जो वृक्ष था वो वृक्ष कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष न तो स्वर्ग में मिलते हैं न तो पहाड़ों पर। कल्पवृक्ष हमारा मन है। आप जो सोचते हैं वो होता है। ये मन को हम कल्पवृक्ष बना सकते हैं। उसके लिए हमें चार आयाम को सुदृढ़ करना होगा। शरीर, मन, मूलभूत शक्तियां और भावनाएं। अगर ये सुदृढ़ हो गए तो आपका मन कल्पवृक्ष हो जाएगा। न तो वो मरकट रहेगा न तो हरकत करेगा, बल्कि आप जो सोचोगे वो जरूर से होगा। तो चलो प्रयास करें अपने मन को कल्पवृक्ष बनाने के। अगले एपिसोड में मन के नए आयाम के साथ फिर से मैं मिलूंगा। तब तक आपके सहायक भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार, सबका शुभ हो, शुभकामना।